बेगूसराय में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सदर अस्पताल के एसएनसीयू से एक नवजात शिशु चोरी हो गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे में बच्चे को बरामद कर लिया। जांच में पता चला कि बच्चा 60,000 रुपये में बेचा गया था। पुलिस ने गार्ड और खरीददार को गिरफ्तार किया है। अस्पताल में कार्यरत प्राइवेट महिला गार्ड की संलिप्तता सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। आज इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है सदर में, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है। बच्चा जो था वो लेडी जो थी वो गार्ड से मिल के उस बच्चे को चुरा कर ले गई। हालांकि पुलिस की तत्परता से वो बच्चा जो है 2 से 3 घंटे में बरामद कर लिया गया। अभी बच्चा सुरक्षित है और हमारे एसएनसीयू में है, खुशी खुशी है। बात बच्चा गायब हो गया है, संजाई हॉस्पिटल देख लीजिए। हम लोग यहाँ से बच्चे द्वारा आए थे, यहाँ पर जांच किए, बोले कि हाँ चीज़ से बात है। हम लोग सब पूरा टीम निकल के छापमारी करने के लिए गए, इलाकों लाखों गए, वहाँ तो हम बरामद करके ले चले थाना पर सबूत कर दिया डॉक्टर जी को। ठीक है, ये कौन है महिला? मेरा लड़की, इन्हीं का बच्चा चोरी हुआ है? बच्चा चोरी हो गया बाबू तुम्हारा? हाँ, तुम बच्चा क्या बजे देखी थी? 2 बजे बोली पिलाई है बस, 2 बजे से ही। क्या बजे देखी थी बच्चा चोरी हुआ था बाबू बोले ना?